गुरुवर गुरुवर कबीर कबीर का एक का एक बहुत बहुत सुंदर सुंदर भजन भजन है। है। मोर मोर हीरा हीरा हराई हराई गयो गयो कचरे में। कचरे में। आप लोग आप शायद लोग शायद सुने सुने होंगे होंगे इसको। इसको। गायक गायक जन जन बहुत बहुत सुंदर सुंदर तरीके से तरीके से गाते गाते हैं। हैं। मोर मोर हीरा हीरा हराई हराई गयो गयो कचरे में, कचरे में। कोई कोई ढूंढे ढूंढे पूरब पूरब और कोई कोई ढूंढे ढूंढे पश्चिम पश्चिम और कोई कोई ढूंढे ढूंढे पानी पानी पत्थरे में। पत्थरे में। गुरुवर गुरुवर कबीर कबीर साहब, साहब हम हम सबको क्या सबको क्या संदेश संदेश देना देना चाहते हैं? चाहते हैं? इस भजन के भजन के माध्यम से माध्यम से हमसे हमसे क्या क्या कहना कहना चाहते हैं? चाहते हैं? आज का आज का आदमी आदमी अपने अपने इस इस आत्मा आत्मा को, को स्वरूप को, स्वरूप चेतन को, चेतन को राम राम को भूल भूल गया गया है। है। किसमें भूल किसमें भूल गया गया है, है? कहां खो कहां खो दिया दिया है? है? कचरे में। कचरे में। हर हर आदमी का आदमी का अपना अपना स्वरूप, स्वरूप, अपना अपना राम, राम, संसार संसार के के प्राणी प्राणी पदार्थ पदार्थ रूपी रूपी कचड़े में कचड़े खो में खो गया गया है। है। काम, काम, क्रोध, क्रोध, लोभ, लोभ, मोह, मोह, इन सब इन सब विकारों में विकारों में खो खो गया है। गया है। इन इन सब के सब के कारण कारण आदमी आदमी अपने अपने लिए लिए समय समय नहीं नहीं निकाल निकाल पाता पाता है। है। सत्संग सत्संग भजन भजन के के लिए लिए समय समय नहीं नहीं निकाल निकाल पाता पाता है। है। गुरुवर गुरुवर कबीर कबीर जो भी जो भी बात बात करते करते हैं हैं वो वो बाहरी बाहरी बात बात नहीं नहीं करते करते हैं, हैं। वो वो अंदर अंदर की की बात बात करते करते हैं, हैं, आत्मा की आत्मा की बात बात करते करते हैं, हैं, राम राम की की बात बात करते करते हैं, हैं, चेतन चेतन की की बात बात करते करते हैं। हैं। ये ये कबीर कबीर सत्संग सत्संग आपको आपको अपनी अपनी ओर ओर लौटने को लौटने को कहेगा। कहेगा। बाहर बाहर कुछ कुछ नहीं नहीं है, है, बाहर बाहर केवल केवल कचड़ा कचड़ा है, है, और और उसमें उसमें अगर हम अगर हम फंसेंगे तो फंसेंगे तो अपने अपने आप को आप को केवल केवल खोएंगे। खोएंगे। आप आप जरा जरा विचार विचार करें, करें, जब जब से से आप आप होश होश संभाले संभाले हैं, हैं, तब तब से से आज आज तक तक आपको आपको इस इस संसार संसार ने ने क्या क्या दिया दिया है? है? आज आज क्या क्या है है आपके आपके पास? पास? चार चार बच्चे, बच्चे, मकान, मकान, गाड़ी, गाड़ी, जमीन, जमीन, बस। बस, 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 और वो और वो बच्चे बच्चे आज आज बात बात नहीं नहीं मानते, मानते, पत्नी पत्नी कहा कहा नहीं नहीं मानती मानती है, है। बूढ़ा बूढ़ा अलग अलग है, है, बूढ़ी बूढ़ी माता माता अलग अलग है, अलग है। लड़ाई लड़ाई लगी लगी हुई हुई है, है, बाप बाप बेटे में बेटे नहीं में नहीं बनती है, बनती है, सास सास बहू में बहू नहीं में नहीं बनती बनती है। है। क्यों? 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 क्योंकि क्योंकि यहां से यहां से आपको आपको वो वो चीज चीज मिल मिल ही ही नहीं नहीं सकता सकता जो जो आप आप चाहते चाहते हैं। हैं। आपका आपका प्राप्तव्य प्राप्तव्य सुख सुख है, है, शांति शांति है, है, जो जो अपने अपने स्वरूप स्वरूप में में है, है, और और आप आप इस इस सुख सुख को, को, इस इस शांति शांति को को संसार संसार के के प्राणी प्राणी और और पदार्थों पदार्थों में में ढूंढ ढूंढ रहे रहे हैं, हैं, और और कब कब से से ढूंढ ढूंढ रहे रहे हैं? हैं? जब जब से से होश होश संभाले संभाले हैं, हैं, जब जब से से होश होश संभाले संभाले हैं, हैं, चाहे चाहे वह वह महिला महिला हो हो या या पुरुष पुरुष हो, हो, अपने अपने आपको आपको सुखी सुखी करने करने के के लिए लिए बहुत बहुत काम काम कर कर रही रही है है ये। ये। एक एक बच्चा बच्चा पढ़ने पढ़ने जाता जाता है, है, क्यों? क्यों? अच्छे क्यों? अच्छे से अच्छे से पढ़ूंगा पढ़ूंगा और और अच्छी अच्छी नौकरी नौकरी करूंगा, करूंगा, बढ़िया बढ़िया से से पैसा पैसा कमाऊंगा कमाऊंगा और और अच्छा अच्छा मकान मकान बनाऊंगा, बनाऊंगा, बढ़िया बढ़िया शादी शादी करूंगा, करूंगा, अपने अपने बच्चे बच्चे को को इंग्लिश इंग्लिश मीडियम मीडियम में में पढ़ाऊंगा। पढ़ाऊंगा। सब सब कुछ कुछ यही यही सोच सोच करके करके वो वो करता करता है, है, अपने अपने आप आप को को अच्छा अच्छा बनाने बनाने के के लिए। लिए। लेकिन लेकिन अच्छा अच्छा बना बना क्या? क्या? कुछ कुछ अच्छा अच्छा हुआ हुआ अभी अभी तक? तक? अपने अपने आप आप से से पूछेंगे पूछेंगे तो तो यही यही कहेंगे कहेंगे कि कि पहले पहले ही ही अच्छा अच्छा था। था। मेरी मेरी शादी शादी नहीं नहीं हुई हुई थी थी उसके उसके पहले पहले में में सोना सोना था, था, हीरा हीरा था। था। लेकिन लेकिन जब जब से से शादी शादी हुई, हुई, तब तब से से जीवन जीवन नरक नरक बन बन गया गया है। है। कितनों कितनों बार बार हमारे हमारे अंदर अंदर ये ये विचार विचार आया आया होगा होगा कि कि मैं मैं अपने अपने गले गले में में फांसी फांसी का का फंदा फंदा लगा लगा लूं, लूं, बस बस सारी सारी समस्या समस्या का का समाधान समाधान हो हो जाए। जाए। ऐसा ऐसा हर हर आदमी आदमी सोचता सोचता है, है, आप आप भी भी कई कई बार बार सोच सोच चुके चुके होंगे होंगे ऐसा। ऐसा। ऐसी ऐसी समस्याएं, समस्याएं, ऐसे ऐसे परिवार परिवार के के लोग, लोग, आपके आपके बाल बाल बच्चे, बच्चे, सगे सगे संबंधी, संबंधी, ऐसी ऐसी परिस्थितियां परिस्थितियां आपके आपके सामने सामने लाके लाके खड़ी खड़ी कर कर दिए दिए कि कि आपने आपने ये ये सोचा सोचा कि कि काश काश मैं मैं मर मर जाता जाता बस, बस, लेकिन लेकिन बच बच गए। गए। क्यों? 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 हमारे हमारे पास पास हमारे हमारे माता माता पिता पिता और और गुरुजनों गुरुजनों का का संस्कार संस्कार था, था, विचार विचार था, था,
वो विचार हमको आज बचा लिया। और कई बच्चे मर जाते हैं, कई लोग अपने गले में फांसी लगा के फंदे से झूल जाते हैं, लेकिन मरने वाले लोग कितने नादान होते हैं, कितने मूर्ख होते हैं। उन्हें ऐसे लगता है मैं बहुत हिम्मत का काम कर रहा हूं, लेकिन मरने के बाद हर आदमी सुनने वाला यही कहेगा, उससे बड़ा कायर आदमी कोई नहीं था। जो भी समझदार होगा वो मरेगा नहीं, कहेगा घर छोड़ देंगे, रोड के किनारे रह के खा लेंगे। बाजू में ताकत है, शरीर में दम है, दिमाग है, कहीं भी दो रोटी नहीं कमा पाएंगे मेहनत करके। जिनके पास ये सत्संग है, ये सद्बुद्धि है, ये सद्विचार है, वही अपने आप को बचा पाए, नहीं तो वो लोग बीच में ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर बैठे। गुरुवर कबीर का संदेश है कि संसार में जो भी कचड़ा है, इसमें अपने आप को खो मत। थोड़े में बहुत बड़ी बात कह देते हैं, कोई ढूंढे पूरब, कोई ढूंढे पश्चिम। पूरब में कौन ढूंढता है? जितने हिंदू संप्रदाय के लोग हैं वो अपने भगवान को, अपने प्राप्तव्य को, अपने ईश्वर को पूरब की तरफ मुख करके उपासना करते हैं, और जितने मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं वो पश्चिम की ओर कहते हैं। थोड़ी आधी अर्धाली में गुरुवर कबीर दोनों को लपेट लेते हैं, कोई ढूंढे पूरब और कोई ढूंढे पश्चिम, और जो बचे वो कहां, कोई ढूंढे पानी पत्थरे में, पानी में ढूंढते हैं, गंगा में ढूंढते हैं, यमुना में ढूंढते हैं, अयोध्या में ढूंढते हैं, नदियों में नहाने के लिए जाते हैं। क्या चीज के लिए? अपने आप को सुखमय बनाने के लिए, अपने जीवन के दुखों को समाप्त करने के लिए आदमी रंग रंग के उपाय करता है। लेकिन होता क्या है, दुख और बढ़ जाता है। इसका प्रमाण आपके पास है, आप खुद अपने आप से पूछिए, जितना करना था सब कुछ तो किए, लेकिन दुख घटा कहां? सोचे थे बच्चे सुख देंगे, बच्चे हो गए, आज वही जंजाल हो गया। ऐसे लगता है इसे बच्चे से बच्चे ना होते तो ज्यादा अच्छा था, कहना पड़ता है। अरे आप नहीं, कैकेयी को भी कहना पड़ा था, माता कौशल्या को कहना पड़ा था। जब राम 14 वर्ष के लिए वनवास जाने लगे तो कौशल्या को बहुत दुख हुआ। उस समय आती है बात वाल्मीकि रामायण में कि वो कहती है, इससे तो अच्छा होता ये दिन ना देखना पड़ता, मैं बिना पुत्र के रहती। वही पुत्र, वही बच्चे जिनको हम पैदा किए हैं अपने सुख के लिए, अपने शांति के लिए, कि हमारे जीवन में सहभागी बनेंगे, वही दुख देते हैं, पीड़ा देते हैं। इनसे मोह बढ़ा के क्या मिला है? केवल दुख मिला है। ये संसार केवल स्वार्थ का साथी है, कोई आपके काम नहीं आने वाला है। लड़कियां हैं उनकी शादी कर देते हैं माता पिता, बस सोचते हैं हमारा काम पूरा। जिनके भी लड़कियां होंगी, जिनके भी लड़के होंगे, बस उनके माता पिता का एक ही कर्तव्य है, 20-25 साल तक तुम जहां तक जितना उड़ना है उड़ लो, जितनी नौकरी करना है कर लो, जितना पढ़ाई करना है कर लो, उसके बाद बस केवल उनका एक ही काम है, वो शादी कर दिए, फिर अब चाहे जैसे जियो तुम, कोई मतलब नहीं। और इसी के बाद अपने जीवन में वो उलझ उलझ के पूरा जीवन मर जाते हैं। और सबके साथ ये हो रहा है, हर आदमी अपना अधिकतम समय इसी संसार के लोगों के साथ देता है, मम्मी पापा, गाय बैल भैंस, खेती किसानी। दो दिन के लिए सत्संग है, उसके लिए समय नहीं है। 365 दिन कमाए, कौन सा उत्थान कर लिए? दो दिन दो घंटा सत्संग सुन लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? संत लोग कौन सी बुराई आपको सिखा देंगे? लेकिन कुछ लोग हैं उनके पास समय नहीं है, अभी भी वो संसार के प्राणी पदार्थों में लगे हैं, काले बाल सफेद हो गए, अभी भी इन्हीं संसार के प्राणी पदार्थों से ही सुख पाने की इच्छा है। विडंबना दुख इस बात का है कि हमको समझ अभी तक नहीं आई है, हमको समझ अभी तक नहीं आई है कि ये संसार के लोग अपने हैं कि पराए हैं।
जिनकी शादी नहीं हुई उनको शादी कितनी प्यारी लगती है, पके बाल वालों से पूछो वो बताएंगे। लेकिन कोई भी जवान उनकी बात मानेगा नहीं, कहेगा बुढ़ा बाबा तो मजा मारे और हमको रोक रहे हैं। कोई मानेगा? और क्या मिला आपको शादी करके? केवल दुख। एक लड़का इसे एक महात्मा के पास आया, कहा महात्मन आप कहते हैं संसार के ये लोग कोई सगे संबंधी नहीं, कोई साथी नहीं होते हैं, हमारा घर तो ऐसा है कि हमारे लिए सब जान देने के लिए तैयार है, हमारे बिना भोजन नहीं करते हैं, जब तक हम घर न पहुंच जाएं सब हमारा इंतजार करते रहते हैं। और आप कहते हैं कि ये संसार के सारे संबंध सारे रिश्ते नाते झूठे हैं, कैसे मानूं अब मैं आपकी बात? महात्मा ने कहा बेटा मैं तुम्हें प्रैक्टिकल दिखा देता हूं, प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूं कि तुम्हारे घर और परिवार के लोग कैसे तुम्हारे हैं, कितना तुम्हारे हैं, कितना तुमको चाहते हैं। ये बिल्कुल हम तैयार हैं। कहे तुम रोज सुबह हमारे पास एक घंटा आया करो, बस 5 दिन के अंदर मैं तुम्हें सांस रोकने की कला सिखाऊंगा। वो कहा ठीक है। वो बच्चा महात्मा के पास कुटिया पे जाता और महात्मा उसे योग सिखाते, योग के बल पर वो सांस रोक लेता बहुत देर तक। तो बात हुई, महात्मा ने जैसे जैसे बताया, कहे आज घर जाना तो अपनी सांस रोक करके लेट जाना और उठना मत, और सारी बातें बता दी। गया बच्चा घर में, सांस रोक के लेट गया। थोड़ा देर बाद लोग आए चलो भोजन के लिए, देखते हैं तो कोई चहल पहल ही नहीं, हिलाते हैं डुलाते हैं कोई चहल पहल नहीं। मम्मी पापा को बुलाए, पत्नी को बुलाए उसके, देखो क्या हो गया इनको, सब नाड़ी देखे सब कुछ देखे, कुछ पता ही नहीं लग रहा है तो मर गया। एकदम रोना पिटना चालू खूब, हाय मेरा लल्ला, हाय मेरा बेटा, हाय मेरा भैया, सब जितने थे घर भर के लोग खूब रोने लगे। अब वो लड़का सुन रहा है, खूब रोना पिटना, लोगों के पास संदेश भेजे जा रहे हैं, अरे अभी तो एकदम स्वस्थ था और आज ही पता नहीं कैसे उसका शरीर शांत हो गया। रोग रिश्तेदार सब सगे संबंधी सब आने लगे, कोई साइकिल से कोई गाड़ी से कैसे भी करके। समय बीतता गया, अब सब रो रहे सब सोच रहे कैसे करके हमारा बच्चा ठीक हो जाए, उठ जाए, जिंदा हो जाए। माँ सोचती है मेरा बच्चा जिंदा हो जाए, पत्नी सोचती है अभी मेरी नई नई शादी हुई थी इनके साथ, भरी जवानी में 25 साल में इनका शरीर छूट गया, अब मैं अपना जीवन कैसे बिताऊं। उतने पर वो महात्मा घूमते घूमते आ गए द्वार पर, सब लोग दौड़े उनकी तरफ, महात्माओं की तरफ होता है ना कुछ भाव कि शायद कुछ ऐसा कर देंगे जिससे कुछ नया हो जाए। सब दौड़े के देखिए महाराज आपका शिष्य रोज आपके पास जाता था, आज पता नहीं क्या हो गया, शरीर ही शांत हो गया, इसको आप कुछ उपाय करिए, कुछ किसी प्रकार से इसको जिलाइए, इसको जिंदा करिए। महात्मा थोड़ा देर सोचे, कहे देखो एक उपाय है हमारे पास, जितने लोग रोजगार है थे सब कोरोना बंद, जैसे महात्मा ने कहा मेरे पास एक उपाय है इसको जिंदा करने का, सब कान लगा, अरे महाराज जल्दी बताइए क्या उपाय है, क्या किया जाए, क्या करना पड़ेगा। कहे हमारे कुटिया में एक दवा रखी, वो दवा अगर मंगा दी जाए तो हम कुछ उपाय कर सकते हैं। ध्यान से सुनेंगे कहानी तो आपको समझ में आएगा मैं कहना क्या चाहता हूं। तो तुरंत गाड़ी लेकर के बच्चों को भेजा गया, जाओ भाई महात्मा की झोली उठा लाओ वहां दवा है। दवा लेके आई गई, दवा महात्मा डिब्बी में थी खोले और एक गिलास पानी मिलाए मंगाए और उसमें एक चम्मच दवा डाल दिए और कहे देखो भाई ये दवा है, इसको जो पिएगा वो तुरंत मर जाएगा और ये बच्चा तुरंत उठ के बैठ जाएगा, कोई भी घर का व्यक्ति आवे और इस दवाई को पी ले और बगल में लेट जाए, मैं इस बच्चे को अभी तुरंत जिंदा किए देता हूं। अब सबसे पहले उनके नजदीक उनके पिताजी थे, जैसे बाबा ने कहा वो अपना अंगूठा अपने कंधे पर रखे और घर के अंदर घुस गए। कहे बेटवा तो मर ही गया है, हम काहे इसमें लफड़े में पड़े, दूठ और है उनसे काम चला लेंगे। उनकी पत्नी बहुत रो रही थी,
कहे बेटी तुम आओ पी लो, मैं तुम्हारे पति को जिंदा किए देता हूं। अब पत्नी सोचती है कि ये जिंदा हो जाएंगे, मैं मर जाऊंगी, क्या मतलब का फिर इनको जिंदा करके। अभी तो हमारी उम्र ही क्या है, हम दूसरी शादी कर लेंगे। बहुत देर मनन चिंतन की और उठी तो, लेकिन गिलास की तरफ न बढ़ के घर में घुस गई। बेटा लेटे लेटे सब सुन रहा है, सबका प्रेम देख रहा है। अब माँ की बारी आई, माँ तो जानते ही हैं, सब कुछ करने को तैयार होती है कहा जाता है। लेकिन जब माँ की बारी आई तो माँ ने भी कहा बेटा तो मर ही गया है, जितना रोना था रो लिए ही है, अब हम पी करके मर जाए तो हम बेटे को देखने को तो पाएंगे नहीं, तो क्या मतलब दवाई पीने का। वो भी कही महाराज राय दो, जो है हम लोग झेल लेंगे, दवाई कोई पीने को तैयार नहीं हुआ। महात्मा ने कहा अच्छा ऐसा करता हूं, दवाई हम ही पी लेते हैं। जो घर में भाग गई थी बहू, वह दौड़ के आ गई, अरे महाराज इससे अच्छा क्या होगा। जो पिताजी चले गए वो भी सुने, अरे महाराज दवाई पी रहे हैं, सब उनके गोड़ पर ले, महाराज आप इतना अच्छा उपाय बताए, इससे अच्छा तो और कुछ हो ही नहीं सकता है, आपके तो ना आगे क्यों ना पीछे कोई, आप पी लेंगे मर जाएंगे कोई बात नहीं, हमारा बच्चा जिंदा हो जाएगा, सब ऐसे सोचते हैं ना। महात्मा जी गिलास उठाए और दवाई पी गए। दवाई में कुछ था नहीं, केवल वो एक राख थी, मरना तो था नहीं, केवल बच्चे को दिखाना था। वो बच्चा उठ के बैठा और महात्मा के पीछे पीछे हो लिया, चला गया। वो लौट के घर नहीं आया। फिर हम सब के जितने भी सगे संबंधी हैं, जितने भी रिश्ते नाते हैं, जब तक हम स्वस्थ हैं, जब तक हम अच्छे हैं, तब तक के लिए। जो लड़का जो लड़की कहते हैं कि हम अगर शादी करेंगे तो उसी से करेंगे, चाहे घर छोड़ना पड़ जाए, चाहे मम्मी पापा को छोड़ना पड़ जाए, चाहे परिवार छोड़ना पड़ जाए, चाहे गांव छोड़ना पड़ जाए, चाहे देश छोड़ना पड़ जाए, लेकिन रहेंगे तो उसी के साथ। वही लड़की अगर बीमार हो जाए और डॉक्टर कह दे कि अभी जिंदगी भर अपना कोई भी काम अपने हाथ से नहीं कर पाएगी, सब इसको टट्टी पेशाब सब खाट पर ही होगा और तुम्हें ही करवाना पड़ेगा, तो आदमी कहेगा कि भगवान अब इसको उठा लो, बहुत दुख भेद झेल रही बिचारी, कहां गया प्रेम, सब खत्म हो जाता है। तो बंधुओं ये सारे संबंध सारे रिश्ते नाते संसार के सब झूठे हैं, दिखावे हैं, इसमें अपना ज्यादा समय ना बर्बाद करें, ये सब कचड़ा है, सब माया मोह केवल आपको फंसाने का और दुख देने का केवल एक जगह है, और आपके पास तो प्रमाण है इसका, आप दुख के सिवाय और क्या पाए। अब जो समय बचा है उसे अध्यात्म में लगाएं, सत्संग में लगाएं, जो हमारी चाहत है जो हमारी इच्छा है वो हमें जरूर मिलेगा। तो गुरुवर कबीर के इस पंक्ति को याद करें, मोर हीरा हेराई गयो कचरे, कोई ढूंढे पूरब कोई ढूंढे पश्चिम, कोई ढूंढे पानी पत्थरे। तो हम इधर उधर अपने लक्ष्य को न ढूंढें, केवल अपने आप में ढूंढें। हमारा लक्ष्य हमारा स्वरूप हमारा चेतन हमारे पास है, और सगे संबंधी कोई काम नहीं आने वाले हैं।